नमस्कार, मैं अनिल पुसतकर, स्वागत है आपका ग्लिप्स डॉट इन में। बात करते हैं खरी खरी, बात करते हैं हाथियों की मौत की, बात करते हैं ग्लिप्स की खबर के असर की, बात करते हैं ट्रांसफर का खेल बिगड़ने की, बात करते हैं भूपेश बघेल सरकार की संवेदनशीलता की, बात करते हैं अरण्य भवन में कब्जा जमाए हुए वन माफिया का खेल खराब होने की, बात करते हैं एक और हाथी की मौत की जिसकी खबर पता नहीं क्यों दबी रह गई, जो बेहद चौंकाने वाली है। ग्लिप्स ने बड़ी जिम्मेदारी से इस खबर को बताया था और खरी खरी में ही कहा था कि वन अफसर, फॉरेस्ट अफसर जंगल में न जाकर शहर में अपनी कुर्सी बचाने के खेल में लगे हुए हैं। वो तो भूपेश बघेल की सरकार है जो उनका खेल नहीं चला, वरना जमे हुए हैं लोग, सालों सालों से जमे हुए हैं। भूपेश बघेल का हंटर चला, वन्य प्राणी प्रमुख अतुल शुक्ला अब वन्य प्राणी प्रमुख नहीं है। जिनको जंगल से लेना देना नहीं था, जिनको वन प्राणियों से लेना देना नहीं था, वो वन प्राणी प्रमुख होना भी नहीं चाहिए, ये भूपेश बघेल सरकार ने समझा। और भूपेश बघेल को बहुत बहुत बधाई कि एक उन्होंने गैर जिम्मेदार अफसर को रवाना कर दिया। उनके साथ तीन और डीएफओ मुख्यालय के लिए रवाना कर दिए गए। एक मैडम डीएफओ तो कटहल खाने को कारण बता रही थी हाथी की मौत को, वो भी आ गई। बलरामपुर के भी आ गए तीन डीएफओ और अतुल शुक्ला का जाना, ये हाथियों के प्रति भूपेश बघेल सरकार की संवेदनशीलता को प्रदर्शित करता है। वन मंत्री मोहम्मद अकबर, जो स्वयं हाथी प्रोजेक्ट में रुचि ले रहे हैं, जिनकी खुद इस प्रोजेक्ट को पारित कराने में पूरी ताकत लगाई थी जिन्होंने, जिनको उनका श्रेय जाता है, उन्होंने भी इसमें कोताही नहीं बरती और तत्काल कार्रवाई की और कार्यक्रम पूरा हो गया। तो जो कुर्सी बचाव का खेल है वो तो बिगड़ गया, लेकिन आंशिक। एक छोटी सी लिस्ट आई है, अभी बड़ी लिस्ट बची है, कहने बड़े मगरमच्छ अभी बचे हैं। उम्मीद है कि भूपेश बघेल सरकार से वो भी नहीं बचेंगे। जंगल का अफसर जंगल जाए ना तो फिर वो शहर को ही जंगल बना लिए थे, शहर को जंगल बना लिए थे, अरण्य भवन को अरण्य बना लिए थे और अरण्य भवन में अरण्य राज स्थापित कर लिए थे। जंगल राज था अरण्य भवन में, जंगल राज, जो मैं चाहूंगा वो होगा। कई जो है वो जो बड़े फॉरेस्ट अफसर वन राज बने हुए थे, तो सब अब साइकिल चला रहा है कोई वन राज, कोई वन राज जो है जोकर के इशारे पे नाच रहा है। भूपेश बघेल ने जंगल के शेर को सर्कस का शेर बना दिया है। अच्छा फैसला भूपेश बघेल का, उन छह हाथियों की आत्मा को शांति मिली होगी। अब बात एक उस हाथी की मौत की जिसके बारे में कोई खबर तक नहीं है, बेहद हैरान कर देने वाली खबर। हाथी मरकर एक से डेढ़ महीने तक पड़ा रहा, सड़ता रहा, उसकी चर्बी गल गई, उसका दांत उखाड़ के ले गए और फॉरेस्ट विभाग को पता नहीं। और हाथी पड़ा कहां रहा? सूरजपुर के जो प्रतापपुर रेंज है उसके मुख्यालय से 4 किलोमीटर दूर मात्र करंजवार में RF-36। हाथी सड़ गया, उसके बाद जब फॉरेस्ट विभाग होश में आया, 11 मई को ऐसा माना जाता है कि उसकी खबर मिली थी। जब फॉरेस्ट विभाग होश में आया, पता चला कि हाथी की मौत तो एक से डेढ़ महीने पहले हो चुकी है, फिर आनन फानन में पूरी लीपापोती हो गई और पूरा इंतजाम हो गया, जैसे इन पांच हाथी छह हाथियों के मौत पर किया जा रहा था उससे पहले। क्या ऐसे ही हाथीगढ़ बनेगा छत्तीसगढ़?
हाथियों की बिक्री का जिक्र यहाँ के सिक्कों में मिलता है। हाथियों की सबसे बड़ी मंडी हुआ करती थी हिंदुस्तान की नहीं, पूरे एशिया की हाथी की सबसे बड़ी मंडी छत्तीसगढ़ हुआ करती थी। हाथी लौट रहे हैं, ऐसा माना जाता है कि हाथी की जो है स्मरण शक्ति ट्रांसफर होती है पीढ़ी दर पीढ़ी, और हाथी जो है अपने मूल निवास की ओर लौट रहे हैं। उसका मूल निवास छत्तीसगढ़ ही था। उन हाथियों को संरक्षण देने की जिम्मेदारी मोहम्मद अकबर भूपेश बघेल ने उठाई थी। करोड़ों अरबों रुपए की दौलत का खनिज उसका लालच छोड़कर उन्होंने हाथियों के लिए रिजर्व बनाया था। और कुछ अफसर जो अब अपने आप सामने आ रहे हैं, उन्होंने उसको खराब करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो अब छट रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ स्थानांतरण काफी है? अगर हाथियों की मौत के मामले में किसी को निलंबित किया गया था तो इसका मतलब आपने मान लिया कि वहां गलती हुई थी। तो गलती हुई थी तो क्या गलती हुई थी, और अगर गलती नहीं हुई थी तो उनको निलंबित क्यों किया गया? और अगर गलती हुई थी तो क्या सिर्फ वही जिम्मेदार था उसके लिए? क्या बड़े अफसर जिम्मेदार नहीं थे? और ये कौन सा खेल है? सस्पेंशन, रीस्टेट, पोस्टिंग, फिर वही। अरे किसी का टर्मिनेशन हुआ है आज तक? क्यों नहीं अपराध दर्ज होता? क्यों नहीं ऐसे लोगों को छांट कर इनके खिलाफ? होना तो ये चाहिए कि ये जो सफेद हाथी जो जमे हुए हैं सालों से, और दूसरे डिपार्टमेंट में, तीसरे डिपार्टमेंट में, चौथे डिपार्टमेंट में, फॉरेस्ट छोड़ के सब जगह जो काम कर रहे थे, जो मलाई जीमते रहे, हैट्रिक मनाया जिस पिछली तीन सरकार में, अरे उनके खिलाफ दूसरी जांच भी शुरू हो जाए, लोकायुक्त उकायुक्त को भी उनका मामला दिया जाना चाहिए। क्या है ये? एक हाथी मर गया, चूहा नहीं, चूहा मरता है तो रड़ता है तो घर में पता चल जाता है, वहां जंगल में हाथी मरा और किसी को खबर नहीं। जंगल में मोर नाचा, किसी ने देखा, हमने सुना था। ये जंगल में हाथी मरा और किसी ने नहीं देखा और किसी को नहीं पता चला, किसी ने नहीं सुना और किसी को मतलब बदबू तक नहीं आई, ये हैरान कर देने वाली बात। 4 किलोमीटर दूर मुख्यालय की रेंज से हाथी, कितने टन का हाथी होता है? उम्मीद है भूपेश बघेल सरकार दोषियों को नहीं बख्शेगी, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और ये सिर्फ स्थानांतरण नहीं, इनके खिलाफ और भी बड़ी बड़ी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तब जो है वन प्राणियों की आत्माओं को जो है वो मृत वन प्राणी है उनकी आत्माओं को शांति मिलेगी। नमस्कार, अगले अंक तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। फॉर इंफॉर्मेशन लॉग ऑन टू www.clips.in।